Why should be there any obligation for getting visa for Pakistan for Pakistani brothers and sisters? This is not acceptable. I am in my home here in Turkey, and when you come to Pakistan, you will be in your home in Pakistan. My investors are my masters. You are my master. बाज तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम तआवुन पर माजरत ख्वाह हूँ। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, तुर्की ने लाहौर मेट्रो बस मंसूबे का डिज़ाइन बगैर मुआवजे के दिया। पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। तुर्की के दुश्मन को पाकिस्तान भी अपना दुश्मन समझता है। मेरे इन्वेस्टर्स मेरे मास्टर्स हैं। वज़ीरे आज़म के अंकारा पहुँचने पर तुर्क वज़ीरे दिफा ने इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर फर्दर जुर्म ना लगने पर अस्खुद नोटिस ले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुतालिबा। कहा, क्राइम मिनिस्टर अपने और अपने खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड तब्दील करने की भी कोशिश हो रही है। एफआईए ने क्राइम मिनिस्टर के कहने पर ज़िमनी रेफरेंस वापस लिया। इमरान खान का सियासतदानों के केसेस की निगरानी के लिए जज मुकर्रर करने का भी मुतालिबा। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए तहफ्फुज मांगने आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, जो भी फैसला आएगा उस पर आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। राणा सनाउल्ला ने पहले निहत्ते लोगों पर फायरिंग कराकर उन्हें मारा। उनका बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। साइफर पर सदर ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, क्यों कमीशन नहीं बनाया जा रहा? मौजूदा हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रही। आलमी सतह पर गजा का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमरीका में खुश्क साली की वजह से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर। अमरीकी रियासत कैंसॉस में गंदम की पैदावार में 25% तक कमी। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी मार्केट में गंदम की कीमत में 50% इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTI की फी बैरल कीमत $115 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत में 1.17 डॉलर का इजाफा। फी बैरल कीमत $122 हो गई। लॉन्ग मार्च में दो वज़राए आला के सरकारी गार्ड्स के पास असलहा था। इमरान खान की वजाहत। आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद भी कर दी। कहा, जिनके खिलाफ 26 साल जदोजहद की उनसे कैसे डील कर सकते हैं? लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के पीछे कोई डील नहीं। किसी सूरत कौमी असम्बली नहीं जाएंगे। ये बड़ा ट्रैप है। इनकी हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम कहाँ से आया ये नहीं बता सकते। इमरान खान और महमूद खान के मुतनाज़े बयानात। वफाकी हुकूमत का फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। असलहा के एतराफ़ और फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी पर काबीना ने तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ादी मार्च के नाम पर वफाक पर हमलावर हुए। बयानात और वीडियोस मौजूद हैं। सजा मिलने का यकीन है। एक और लॉन्ग मार्च के ऐलान पर राणा सनाउल्ला की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। कहा, देखते हैं इस बार ये कैसे रुकावटें उबूर करते हैं। जो मुसल्ला तहरीक है जिसका गैंग लीडर इमरान खान है, इसलिए दहशत गर्दों से ज्यादा खतरनाक है कि उन्होंने सियासी जमात का निकाब अपने चेहरे पे चढ़ाया हुआ है। अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। पाकिस्तान के तमाम वो दोस्त ममालिक जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफियों से धकेल गए। मरियम नवाज ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। मरी में खिताब में कहा, इमरान खान के दहशतगर्द वाले अजाइम हैं। इदारों ने खुली छुट्टी क्यों दी है? इमरान ने फसाद करना है तो पाकिस्तान भी नया रद्दुल फसाद शुरू करेगा। साबिक हुकूमत ने तमाम दोस्त ममालिक को नाराज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सरमायाकारों को मनाने गए। इमरान ने मुल्क की मईशत IMF के हवाले करके सबसे बड़ी साजिश की। इसराइल जाने वाले वफ्द में तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल कोर्ट का FIA को जिम्मी चालान जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। समाअत के दौरान FIA ने सुलेमान शहबाज और दीगर के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई। आइंदा समाअत 4 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुलजिमान के नाम ECL से निकालने की वजूहत तलब कर ली। 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, नैब बताए 174 मुलजिमान के नाम किस बुनियाद पर ECL में डाले गए थे। ECL रूल्स में तरमीम का इत्तला गुज़श्ता तारीखों से किया गया। मुस्तफीद वज़रा ने काबीना इजलास से खुद को अलग किया था या नहीं। रूल्स में तरमीम के बाद बैरून मुल्क जाने वालों का रिकॉर्ड तलब। DG FIA और डायरेक्टर लॉ को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतें 208 रुपये फी किलो तक बढ़ गईं। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 213 रुपये फी लीटर तक इजाफा। घी 555 रुपये फी किलो, कुकिंग ऑयल 605 रुपये फी लीटर। वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 950 से कम करके 800 रुपये कर दी गई। चीनी की कीमत 85 से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो की गई। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत घी पर भी फ़ी किलो 100 रुपये सब्सिडी दे रही। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही। रूस ने तेल और गंदम पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने साबिक हुकूमत के दावे की तर्दीद कर दी। CNN को इंटरव्यू में कहा कि पाबंदियों के बायस रूस से तेल खरीदना मुश्किल होगा। गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से राबिता किया। बजट में सब्सिडी वापस लेने और टैक्स में इजाफे का भी इम्कान है। पहले मईशत मुस्तहकम करेंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हल्के कम कर दिए। अमूमी नशस्तें 272 से कम होकर 266 रह गईं। नशस्तों में कमी फाटा के 6 हल्के कम करने पर हुई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के हल्के 47 हो गए। इस्लामाबाद के 3, पंजाब के 141, सिंध के 61 और बलोचिस्तान से 16 हल्के बरकरार रहेंगे। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया। 30 जून तक एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं मौजूदा हुकूमत की वजह से हज अखराजात में कमी हुई। PTI हुकूमत होती तो इस वक्त हज अखराजात 11 लाख रुपए होते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हज अखराजात के हवाले से फियाजी का मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने हज ऑपरेशन का शेड्यूल तब्दील कर दिया। हज ऑपरेशन 5 और 6 जून की दरमियानी शब शुरू होगा।